नमस्कार डॉक्टर ध्रुव, एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज आप लोगों के थोड़े बहुत प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये कितनी चिंता वाली बात है। वेल, जो लोग हमारे वीडियोस ट्रेस कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि 26 मार्च के करीबन हमने बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में नंबर्स बढ़ने वाले हैं। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नंबर्स बढ़े हैं पर डेथ के नंबर्स उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि सोचे गए थे, तो एक अच्छी निशानी है। डेथ पहले भी हमने बताया कि जिन घरों में मृत्यु होती है वो उनके लिए तो वो 100% है, बट ओवरऑल डेथ रेट इज़ नॉट वेरी हाई एक्सेप्ट इन गुजरात। गुजरात में ज़्यादातर कोमॉर्बिडिटी, क्योंकि साथ में रोग वाले लोगों को ये कोरोना का रोग हो रहा है, इसलिए मोर्टालिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरा कारण ये भी है कि गुजरात अभी अभी टेस्ट बढ़ा रहा है, तो उसमें इतने ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हुए हैं, इसलिए ये मृत्युआंक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बट ओवरऑल द मोर्टालिटी इज़ नॉट वेरी हाई। जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ने वाला है, दो कारण से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये रोग अब संक्रमण जो है वो एक दर्दी से दूसरे दर्दी में जाना शुरू हुआ है, जिसके कारण क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हमने अपने एक और वीडियो में बताया हुआ था। और दूसरा कारण ये है कि अब टेस्ट की मात्रा भी बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से क्लस्टर में टेस्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम रेंडमली सैंपल लेके टेस्ट करते तो शायद इतना इन्फेक्शन का रेट नहीं आता, पर अब जो टेस्ट हो रहे हैं क्लस्टर में हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पर 5 मरीज दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर और भी टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर 15 या 25 दिखाई दे रहे हैं। जो भी क्लस्टर में इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है उसमें से ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं है, यानी कि वी हैव स्टार्टेड पिकिंग अप इन्फेक्शन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ये बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि ये सभी लोग उन ग्रुप में आ रहे थे जो कि उनको भी मालूम नहीं था और चेप फैला सकते थे। तो ये अच्छी बात है कि इन्फेक्शन के आंकड़े बढ़ रहे हैं पर मृत्यु दर नहीं बढ़ रहा है, और इन्फेक्शन ऐसे लोगों में पाया जा रहा है जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, यानी कि वी आर पिकिंग अप इन्फेक्शन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ये अच्छी निशानी है, और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने बताया, अभी भी आज की तारीख तक, यानी कि 12 अप्रैल तक, इस वक्त नहीं लग रहा है कि हमें ये बढ़ते हुए फिगर से डरना चाहिए। ये नंबर पहला प्रश्न।